जी अफसरों जल्दी करो, मेरे घर में चोर आ गए हैं, जल्दी करें। आज थाना मुकम्मल हाउसफुल है, कल आना। ओ जी चोर तो भी आए हैं, जल्दी करें, पकड़े उन्हें। वर्जी वो मुसीबत आ गई है। नाजीन थाने के बाहर नाका लगाकर साइलों को रोक दिया गया, क्यों? वो जी फिल्म स्टार बिजली रिपोर्ट दर्ज करवाने आ रही है, उन्हें धमकियां मिली है कत्ल की। नाज़रीन आम लोग बाहर खड़े हैं जबकि थाने वाले एक फिल्म एक्ट्रेस को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्यों? हमें हिदायत मिली है सिक्योरिटी के ऊपर से। ऊपर मतलब थाने की छत से? नाका हटाओ, आवाम के मसले हल करो। मेकअप आज किसी नए बंदे ने किया है। कट करो, कट। जी जी वो मिजारी साहब का फोन है, वो फिल्म स्टार बिजली के लिए प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो मजारी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो ऊंचा बोले। मजारी मदारी, कौन मदारी? हेलो आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोले। मजारी ऊंचा बोले। मजारी सर। जी सर, हुक्म। वो किसी को भेजा है आपके पास, उसे धमकियां मिल रही हैं। किसको भेजा है? फिल्म स्टार बिजली को प्रोटोकॉल देना। ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। फिल्म स्टार बिजली को प्रोटोकॉल देना है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, ऊंचा बोले। फिल्म स्टार बिजली को प्रोटोकॉल देना है। बताएं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या पियेंगी? ऐसा करो कि डाइट कोला और साथ में फ्राइज मंगवा लो और डबल चीज पैटिस और बर्गर। एक्चुअली टेंशन से भूख लग जाती है ना, और फिर डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है। मैं लाता हूँ जी बाजी बल्कीज के खाते में। जी जी सुने आपको धमकियां मिल रही हैं। जी जी बस खूबसूरत लड़कियों के बड़े मसाइल होते हैं, खैर आप क्या समझेंगी? ये दोनों आपके साथ ही रहते हैं? जी ये मेरे साथ ही होते हैं, मुझे लोगों से डरने से बचाने के लिए। और मेकअप आर्टिस्ट लोगों को डरने से बचाने के लिए? एसएचजी को बुलाइए, थाने के अंदर में बैठ के मुझे धमकी के ऊपर धमकी मिल रही है और मैं तो थाने के अंदर में महफूज नहीं हूँ। जाओ जाके कोई इंतजाम करो। जी आपको किस पर शक है? मैडम जी आपका डायलॉग है। जी जी मुझे यकीन है ये फिल्म स्टार चमेली का काम है, मुझे बेशुमार फिल्में मिलने पर वो जेलस है। आपके पास कौन कौन सी फिल्में हैं? मेरे पास ये क्या सवाल हुआ, यहाँ कोई बड़ा अफसर नहीं है? मैं हूँ ना। मैं चौधरी खान मोहम्मद मलिक, किसी को पता लग जाए कि मैं कब चौधरी होता हूँ, कब खान होता हूँ, कब मलिक होता हूँ तो अल्लाह को पता जाए। जो सवाल मैडम करती है वो लिखो। वो मीडिया कहाँ गया? मुझे किसी वक्त भी थ्रेड आ सकती है, चौधरी को बुला के लाओ उनको। हमें ना जी जो लाइव दिखाएगा धमकी मिस बिजली को, ये एहसास हमारे चैनल को हासिल हो रहा है। अभी चंद ही लम्हों में बराह रास्त धमकी, चांद से मारने की धमकी। देखा देखा धमकी वाला फोन आ गया मुझे। हेलो आवाज ठीक आ रही है? आवाज के बच्चे चुपकने भक। तो तुम थाने पहुंच गई, मना किया था ना, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखा अब किस समय धमकी दे रही है मुझे, ये चमेली ही है, ये चमेली की आवाज है। जिसकी आवाज इतनी बदसूरत है वो खुद कितनी बदसूरत होगी। हम टेलीफोन कॉल से ट्रेस कर लेंगे कि धमकी कहां से
और किसने दी? ये तो फिक्र की बात है। मेरा मतलब धमकी देना तो फिक्र की बात है। क्या सिक्योरिटी आपके थाने की? इसके अंदर धमकियां मिल रही हैं। इन धमकियों को रोकने के लिए क्या करेंगे आप? हम फिल्म स्टार बिजली का मोबाइल बंद करवा देंगे, धमकियां बंद, और इनकी सिक्योरिटी के लिए इंस्पेक्टर खान की सरबराही में टीम तश्कील दे रहे हैं, जब इस बिजली से हर मिलने वाले पर नजर रखेगी। ये क्या बात हुई? आफ्टर ऑल आप इतनी बड़ी सुपरस्टार है और मैं आपका कुछ भी नहीं। आम खबर, मिस बिजली को मिली जान से मार देने की धमकी। उन्होंने मिस जमेली के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। मिस जमेली ने एक अवार्ड भी हासिल किया है। मिस बिजली के मशहूर गानों का पैकेज देखें। जरा टचिंग कर दूं, चमेली की खबर सुन के आपका मेकअप खराब हो जाता है ना। चमेली को तो सिर्फ अवार्ड मिला है, लेकिन आप तो न्यूज में नंबर वन है। After all, आप इतनी बड़ी सुपरस्टार और मैं आपका खावन। कहा? हीरोइन का कोई खावन नहीं होता। हस्बैंड तो हो सकता है ना? हेलो जी, प्रोड्यूसर मलिक साहब, जिन्होंने मुझे पहले फिल्म से निकाल दिया था, फिर लेना चाह रहे हैं? जब से मेरी टीवी पे खबरें और वीडियोस चल रही हैं, सारे डायरेक्टर्स डेट लेने आ गए। अब तो डेट है ही नहीं। जी, मैं अभी आ जाती हूँ। अब फिल्म के लिए इतनी जल्दी राजी मत हुआ करें। फिल्म ना हो गई, शादी हो गई। तो मेरे लिए चरगा शरगा लेकर आना, सुन लिया? और साथ डाइट कोला भी लेकर आना। मैं आजकल डाइट पर हूँ। जी। ओए, ये मिस बिजली का खाना था। हम उन्हीं की सिक्योरिटी पर हैं। मिस बिजली के गाने की सिक्योरिटी सबसे पहले हम नहीं चेक करेंगे तो कौन करेगा? जो गधा हमला कर सकता है वो जहर भी दे सकता है। खबरदार, मुझे गधा खा दो। मैं जहर क्यों लूंगा? मेरा मतलब कि मैं खाना चेक करके लाया था। सरकारी लेबोरेटरी खाना चेक करने की हम है। जी, हम इस बिजली के खाने की ना सिक्योरिटी चेक कर रहे थे जी। ये बड़ा केस है। बड़ा केस कौन हैंडल करेगा? बड़ा अफसर। मुर्गा डाइट करता था या मैं डाइट कर रही? मिस बिजली इतना कम खाती है तभी स्मार्ट है, और मिस चमेली लगता है बीमार है। माड़ी एक्टिंग, माड़ी सेहत। इंस्पेक्टर साहब के लिए कुर्सी लाओ ना। और मैडम जी, आप परेशान ना हो, सर जी का फिल्म स्टार की सिक्योरिटी का बड़ा तजर्बा है। ये फिल्म स्टार नैना, बिल्लो और फिल्म स्टार कुंदन, ये सब इनकी सिक्योरिटी के अंडर ही मर्डर हुआ। जैसे ये बेटर, बिल्कुल इसी तरह कुंदन का सेक्रेटरी साथ बैठा हुआ था। पहली गोली उसे लगी, इसी तरह बैठा था जी। ओह शुक्र है जी, मैं इनका सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं इनके साथ भी नहीं बैठा हुआ। और आफ्टर ऑल आप इतनी बड़ी सुपरस्टार और मैं आपका क्या? कुछ भी नहीं। सर जी, मैंने ख्वाब देखा है। तू यहाँ भी सोया? सर जी, आपको पता है बगैर सोए ड्यूटी कैसे हो सकती है? मैंने देखा है कि छोटे छोटे चूजे और आसमान पर एक चील, वो यूं करके आके जंप मार के आपको उठा के ले जाती है ऊपर। तो अपने अफसरों के बारे में ऐसे ख्वाब देखता है तो शर्म नहीं आती? वो जी आप ही हैं जिसको मैंने चील के पंजों से गिरने नहीं दिया। आपकी जगह कोई और होता तो इतनी ऊंचाई से उसने गिर जाना। मतलब ये कि आज आप बुलंदी पर जाएंगे। बुलंदी? असद, आज तुमने याद नहीं करवाया, आज फिल्म बुलंदी का शूट भी था। जब से मशहूर हुई हूँ तब से सबको अपनी शूटिंग्स याद आ गई हैं। मैं तैयार होके आती हूँ। ओके।
एस एच ई साहिबा, ये जो आप छोटे छोटे केस हो, किसी की मुर्गी, किसी का मोबाइल चोरी हुआ, इन पर लगी हैं। एक सुपरस्टार की जिंदगी रिस्क पर है, इस पर क्या हो रहा है? हाथ से मैं खुद मिस बिजली की सिक्योरिटी करूंगी। क्या? ब्रेकिंग न्यूज, मिस बिजली को फिर धमकी मिली है, इस पर वो थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। हेलो, मिस्टर मजारी का फोन है, मेरे खैरियत पूछ रहे हैं। थैंक यू जी। जी ये बात कर लें। यस सर। सर हम मुजरिम के बिल्कुल करीब हैं। जी सर, दोबारा बताइएगा। मिस चंबेली को थाने बुलाकर समझाएं, जरा बिजली खुश हो जाए। सर मैं आपको बताना भूल गई कि लाइव मीडिया आपकी बात सुन रहा है। हेलो सर, बंद कर दिया। मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें ना। तुमको पता है ना कि क्या कहना है? मैं मीडिया का थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतनी कवरेज दी, और उम्मीद करती हूँ कि और भी कवरेज देंगे इसी तरह। हाँ इसी तरह कवरेज मिल सकती है। मीडिया को कोई सवाल करना है? एक मिनट, मेकअप ठीक करो ना। आप लोगों ने मुझे सुपरस्टार बनाया, नंबर वन हीरोइन बनाया। देखिए मुझे कल से धमकियां मिल रही हैं, और ये देखिए मेरे नई शूट की तस्वीरें, ये देखिए इसके ऊपर उसने मुझे कांटा लगाकर भेजा है, और वो मुझे मरवाना चाहती है, और ये देखिए ये सूट कट पीस भेजी उसने मुझे, मुझे कहती है कि इसमें से पसंद करो किस कलर का कफन चाहती हो तुम। ये सारे कलर्स चंबेली के फेवरेट्स हैं, साबित हो जाता है कि ये सब उसने करवाया है, वो ये सब चंबेली के कहने पे कर रहा है। हो सकता है वो अभी फोन करके धमकी दे। इसे कैसे पता है? हाँ हाँ बिल्कुल कॉल आएगी, अभी कॉल आएगी। मतलब कर सकता है? वो कहता है कि मेरे दिन खत्म हो गए। उससे पूछिएगा, रात है तो अभी बाकी है ना। अब मेरा मतलब है कि अगर रात को शूट रख लिया जाए तो फिर तो उसे कोई मसला नहीं होगा ना। आप उनसे ये पूछेगा कि आपको कत्ल करने का कोई मकाम और तारीख बता दे ताकि हम आपको शूट कर सकें लाइव। देखिए देखिए उसकी कॉल आ गई, वो इसी नंबर से मुझे धमकियां देता है। ये सुने आप, सुने। बोल। हेलो, तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो। मैं तो खाने का ऑर्डर दे रहा था। वेरी गुड वेरी गुड। योर लिस्ट मेरे लिए भी खाने का ऑर्डर कर दो। बोल भी। हेलो मिस बिजली, नोट करो, कीमा करेले, धागे वाले करेले, सिरी पाए, रोटियां तवे पे पकाओगे, चुमर सलाद, रायता, धनिये वाला। इसी नंबर से धमकी आती थी ना? जी जी। किसी फिल्म स्टार को खाना पकाने का कहना भी किसी धमकी से कम नहीं है। मुझे कौन धमकी दे रहा है? कौन धमकी दे रहा है? मैं आपका खावन हस्बैंड असद पताफी। नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़, फिल्म स्टार मिस बिजली, मिस बिजली नहीं मिसेस बिजली है, और इनका सेक्रेटरी असल दरअसल इनका खावन है। मैडम गुस्सा नहीं। शुक्रिया। पीटें जितना मर्जी लेकिन मुस्कुरा के। अरे गुस्से से जुरियां नहीं लगती हैं। ऐसे ठीक है क्या? ये धमकियां जाली नहीं थी, ये साबित करने के लिए तुमने अब मुझ पे कातिलाना हमला करना है। जोर से नहीं बोलना, इस तरह आपकी पलकें गिरने लगती हैं, आंखों पे ज्यादा लोड पड़ने से। ओके ओके, अब तुम मेरे पे कातिलाना हमला करोगे, और गन और मास्क का इंतजाम करो। आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। मालदार हैं, लगता है बहुत माल मिलेगा। खबरदार, किसी ने आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा।
देख लग जाएगी। सुन पूरे घर पे फायर कर, चीजें वीजे फेंक दे। मैंने तो सोचा था कि मिसाइल से हमला करवाऊंगी, कुछ नया अंदाज, इंटरनेशनल मीडिया से कवरेज मिलेगी। मुंह उतर करके गोली चला डफर, खोल मुझे। चुप, बोलना नहीं, बता जिनुड़ी कहाँ है? ये तो असली डाका मार है, सुपर कवरेज मिलेगी। मीडिया को फोन कर दूं? तूने मेरा लकी डायमंड हार तोड़ दिया। तूने मेरा कीमती नखून भी तोड़ दिया। बहुत हो गया ड्रामा, खोल मुझे वरना मैं तुझे गोली मरवा दूंगी। चुप, बोलना नहीं। जाहिल आदमी, सारा मेकअप खराब कर दिया बिजली जी का। जेवर कहाँ है? सर अंदर है, ले लो। मुझे मत मारना प्लीज। जी मिस विजय जी, क्या ड्रामा है? क्या असली चोर आ गया? मैं भी मीडिया लेके पहुंचती हूँ। ये पुलिस वाले हर जगह लेट आते हैं। हर जगह लेट नहीं जाते, कई जगह खड़े भी रहते हैं। फिल्म स्टार का खामोन धरना भी फुल टाइम जॉब है। इसने मेरा कीमती हार और नखून तोड़ा है। क्या कह रही हो? मैंने तो एक मिनट प्लीज, मेरा मेकअप मैन खोल दे, मेरा मेकअप ठीक कर दो ना, मीडिया आ गया है। बिजली, ये सब क्या है? ये बहुत डेंजरस है, इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। यही है वो, जरा मुंह दिखाई तो हो जाए। खोलो से। असद तुम? वो तो कोई और था। बिजली, तुमने ये क्या किया? ब्रेकिंग न्यूज़, फिल्म स्टार बिजली का वो